आगामी उत्तराखंड पीसीएस प्रीलिम्स परीक्षा जो 7 जुलाई को प्रस्तावित है उसके संदर्भ में उत्तराखंड स्पेशल पढ़ना इसलिए जरूरी है कि पिछले वर्ष की अपेक्षा अब की बार बदलाव करते हुए आयोग ने निर्णय ले लिया है कि 50% जो होंगे वो लोकल के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे यानी कि उत्तराखंड के। अदर स्टेट के जो भी अप्लाई किए उनके लिए कठिन हो जाएगा क्योंकि स्टेट का स्पेशल पढ़ना जो है वो भी 50% तो वो काफ़ी जो है थोड़ा सा नुकसान होता है, लोकल के लिए आसान होता है। कुल 13 डिस्ट्रिक्ट हैं उत्तराखंड में, लेकिन 13 डिस्ट्रिक्ट में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। तो पिछले वर्ष के जितने सारी परीक्षाएं उसमें अद्यतन जो भी प्रश्न पूछे गए हैं खासकर नैनीताल से तो उस डिस्ट्रिक्ट के बारे में पहली वीडियो जो है अपलोड की जा रही है। इस चैनल के माध्यम से आपको 13 डिस्ट्रिक्ट के बारे में जो है बताया जाएगा। साथ ही साथ जो है वेंचर पब्लिकेशंस के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं आगामी परीक्षा के लिए उसको भी टोटल ईयर 2024 के बारे में भी बताया जाएगा। कम समय में बहुत ही रोचक अंदाज की वो वीडियो होगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब किए रहें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन भी देखने को मिले। तो चलिए शुरू करते हैं और नैनीताल के बारे में जान लेते हैं वो तमाम तरह के प्रश्न जो आगामी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। यदि UPSC जो है प्रीलिम्स सीरियसली देना है तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी, इस वीडियो को पूरा ध्यान से सुनिएगा, कोशिश करिएगा इसे 2 बार सुनिएगा और नोट डाउन भी कर लीजिएगा। नैनीताल के बारे में कुछ मूलभूत चीज़ें जान लेते हैं। छकाता परगना पड़ता है, उसके बाद सरोवर नगरी, झीलों की नगरी भी कहा जाता है। प्राचीन काल में खड़ देश के नाम से जाना जाता था नैनीताल को। नैनीताल की यदि खोज के बारे में पूछा जाए तो पीटर बैरन ने 1841 में इसकी खोज की थी। पीटर बैरन के बारे में कहानी ये कि शाहजहाँपुर का यह एक व्यापारी था और यह नैनीताल पहुंचा। 1839 में कलकत्ता से एक इंग्लिश जो है पेपर न्यूज़पेपर छपता था उसमें नैनीताल के बारे में भी इसने विवरण दिया था। नैनीताल का थोपदार जो था नरसिंह थोपदार थे, इनका नाम नूर सिंह भी था, इन्हीं से जो है छीना गया था नैनीताल को। पीटर बैरन का नाम जो था पिलग्रिम कॉटेज 1842 में इसने बनवाया था पिलग्रिम कॉटेज नाम से, और इसकी पुस्तक है वांडरिंग हिमालयन। तो कुछ जो है पीटर बैरन के बारे में ये चीज़। उसके बाद नैना देवी मंदिर जो है नैना झील के तट पर स्थित है। इस मंदिर का निर्माण जो है मोतीराम शाह के द्वारा किया गया था कब 1842-43 में। 1880 में भूकंप से ये नष्ट हो गया था जब, उसके बाद ये मोतीराम शाह के जो पुत्र थे मोतीलाल शाह इनके द्वारा 1887 में पुनः जो स्थापित किया गया था नैना देवी मंदिर। तो याद रखना सिर्फ इसमें कि नैना देवी मंदिर कहाँ स्थित है, नैना झील में, किसने स्थापित किया था तो मोतीराम शाह ने। अगर ईसन में पूछता है तो 1887 में तो मोतीलाल शाह के द्वारा पुनः स्थापित किया गया था। अल्मोड़ा और नैनीताल बने थे 1891 में, एक कुमाऊं मंडल में पड़ते हैं, दो जिले बांट दिया गया था, एक अल्मोड़ा था और दूसरा नैनीताल था। नैनीताल जो है 1962 में उत्तर प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी भी थी। नैनीताल को जो हिल स्टेशन का दर्जा दिया गया देखा जाए तो 1996 में दिया गया था। वैसे अंग्रेजों के समय में भी काफ़ी चर्चित था नैनीताल हिल स्टेशन के तौर पर, तो 1847 में। तो प्रश्न के ऊपर डिपेंड करता है, जैसा प्रश्न होगा उस ऑप्शन के साथ चाहिएगा। नैनीताल में यदि तहसीलों की संख्या की बात करें तो कुल 9 है, ब्लॉक की संख्या देख लें तो 8 है। परसेंटेज के हिसाब से सबसे अधिक वन जो है वो नैनीताल में ही पाए जाते हैं, 71.62% जो है वन है नैनीताल में। वही नैनीताल के बारे में अगर और जाने तो नैनीताल के साक्षरता जो है ये दूसरे नंबर पे है, कुल जो है 83.8% जो है यहाँ पे साक्षर लोग हैं, उसके बाद जो है दूसरे नंबर पे। इसका मतलब पहला स्थान जो होगा वो पहला स्थान जो दिया गया साक्षरता का वो है देहरादून। और वही विधानसभा सीट जो है SC के बारे में यदि पूछेगा कहाँ पर रिजर्व है तो ये है नैनीताल में। बृहस्पति देव का जो मंदिर जो है उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है ये प्रश्न कई बार पूछा गया तो ये नैनीताल जिले में स्थित है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। वही नैनीताल में विदेशी आलू की खेती की शुरुआत किसने की थी तो हैरी बर्जर नामक जो व्यक्ति ने नैनीताल में जो है विदेशी आलू की खेती की शुरुआत की थी। किस वर्ष की थी 1864 में। नैनीताल में जो है बिना लाइसेंस के मछली पकड़ना अवैध घोषित किया गया था, ये वर्ष पूछा गया परीक्षाओं में, वर्ष 1902 में ये निर्णय लिया गया था। वहीं बिलेजली जो है हाई स्कूल की स्थापना, तो बिलेजली की स्थापना जो हाई स्कूल की स्थापना नैनीताल में की गई थी 1884 में की गई थी। नैनीताल में जो स्थित पावलगढ़ संरक्षण आरक्षित क्षेत्र की स्थापना कब की गई थी, वर्ष 2012 में की गई थी, ये भी प्रश्न पूछे गए हैं। वहीं अगला है कि नैनीताल में स्थित जो घोड़ाखाल सैनिक स्कूल है, घोड़ाखाल सैनिक स्कूल के बारे में जाने की इसकी स्थापना कब हुई थी 1966 में। शेरवुड कॉलेज यदि पूछा जाएगा तो इसकी स्थापना 1867 में हुई थी नैनीताल में ही। नैनीताल में शारदा संघ की स्थापना कब की गई थी 1943 में। और मझरिया क्षेत्र में जो जिप्सम पाया जाता है, मझरिया क्षेत्र पड़ता कहाँ है तो नैनीताल में। उत्तराखंड महिला संघ की स्थापना नैनीताल में किस वर्ष की गई थी 1994 में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सबसे अधिक लोहा जो उत्तराखंड में पाया जाता है नैनीताल के क्षेत्र में पाया जाता है, और हरियाली मेला जो है नैनीताल में लगता है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की नज़र से। अगला क्वेश्चन जो है वो पूछा गया कुमायूं भाभर खेतिहार न्यास निधि का गठन नैनीताल में किस वर्ष किया गया, तो वर्ष 1906 में किया गया था। वहीं फिक्री झरना जो है ये कहाँ स्थित है तो ये नैनीताल में स्थित है।
हिडिंबा पर्वत नैनीताल में स्थित है। ये काफी इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है, हिडिंबा पर्वत काफी बार पूछा गया है। नैनीताल में जो मेथोडिस्ट चर्च की स्थापना रेमजे के द्वारा किस वर्ष की गई, तो 1858 में की गई। नैनीताल में जो स्थित जामा मस्जिद का निर्माण है इसकी 1882 में की गई थी। पाटलीदून कोटादून ये दोनों स्थित है कहाँ पे, तो नैनीताल में स्थित है। वही अगला क्वेश्चन है नैनीताल के बारे में, नैनीताल में जो हिल साइड सेफ्टी कमेटी का गठन जो किया गया था, तो ये भी पूछा जा सकता है किसके द्वारा किया गया था, तो ये किया गया था हेनरी रेमजे के द्वारा। किस वर्ष किया गया था, 1867 में किया गया था। नैनीताल में जो पहला भीषण भूस्खलन हुआ था किस वर्ष हुआ था, 1866 और 67 में हुआ था। नैनीताल नगर निगम की स्थापना कब की गई थी, 30 अक्टूबर 1850 को। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। वही नैनीताल काठगोदाम मोटर मार्ग का निर्माण किस वर्ष किया गया था, 1882 में। आर्यभट्ट शोध संस्थान के बारे में ध्यान दीजिएगा, क्योंकि 1954 में ये वाराणसी में था, और वाराणसी आपको पता होगा कि उत्तर प्रदेश में जो पड़ता है। उसके बाद 1955 में जो है नैनीताल के शेरडांगा पहाड़ी पर इसको स्थापित किया गया। लेकिन क्वेश्चन ये बन सकता है वर्तमान में ये कहाँ पे, ये भी जान लेते हैं। वर्तमान में जो स्थित है नैनीताल के शेरडांगा पहाड़ी पर, वर्तमान में इसकी स्थापना की गई है मनोरा पहाड़ी, वर्ष 1961 में। नैनीताल नगर पालिका के प्रथम अध्यक्ष मेजर वाशिंगटन थे, लेकिन यदि भारतीय अध्यक्ष पूछेगा तो मोहनलाल शाह थे। वही जीलीकोट मधुमक्खी पालन की स्थापना जो की गई थी नैनीताल में किस वर्ष की गई थी, वर्ष 1938 में। नैनीताल में छावनी की स्थापना कब की गई थी, 1841 में, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वही नैनीताल में पर्वतारोहण की स्थापना किस वर्ष की गई थी, 1968 में, किसके द्वारा की गई थी, चंद्रलाल शाह ने की थी पर्वतारोहण की स्थापना। कैची थान के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि काफी बहुत धार्मिक स्थल चर्चित है ये, तो कैची थान की स्थापना जो होती है ये वर्ष 1964 में होती है। नैनीताल में नीम करोली बाबा ने की थी, जिनका वास्तविक नाम पूछा जाता है कभी कभी परीक्षा में, तो लक्ष्मी नारायण शर्मा था। और यहाँ पे भंडारे का आयोजन जो होता है प्रत्येक वर्ष 15 जून को किया जाता है। अगला है कि नैनीताल में लाल कुआं में स्थित एशिया का जो सबसे बड़ा कागज उद्योग सेंचुरी पेपर एंड पल्प बोर्ड है, तो प्रश्न बन सकता है कि सबसे बड़ा कागज उद्योग सेंचुरी पेपर एंड पल्प बोर्ड नैनीताल में कहाँ स्थित है, तो ये लाल कुआं में स्थित है। नैनीताल पुलिस थाने की स्थापना किस वर्ष की गई थी, 1843 में की गई थी। त्रि ऋषि सरोवर स्कंद पुराण में कहा गया है नैनीताल को, तो इसलिए कहा गया क्योंकि अत्रि ऋषि थे, पुलस्त्य ऋषि थे और पुलक ऋषि थे, इसीलिए इसे त्रि सरोवर स्कंद पुराण में कहा गया नैनीताल को। डेयरी विकास केंद्र स्थित कहाँ पे है, तो ये नैनीताल में स्थित है। अधिसघन वन कहाँ पाए जाते हैं, तो ये भी जो है नैनीताल में पाए जाते हैं। वहीं जो है नैनीताल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की और चर्चा की जाएगी नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैक्सिमम पूछे गए परीक्षा में उसकी चर्चा जो है यहाँ पे की गई। इस प्रकार से कम समय में जो है सारे डिस्ट्रिक्ट को कवर किया जाएगा। उत्तराखंड पीसीएस की नज़र से इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होंगे वो प्रोवाइड किया जाएगा रोज की वीडियो में, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाकी की जो है वेंचर पब्लिकेशन का भी जो है जल्दी वीडियो अपलोड होगी, कम समय में इंटरेस्टेड तौर पे जो है आपको 1 से 2 बार देखना, सब याद हो जाएगा। फिर पेपर में देने के बाद जो मज़ा आएगा 50 क्वेश्चन करने में, जो कि स्पेशल होगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।